जहां से उम्मीद थी वहां से टिकट नहीं मिला इन सांसदों को। मध्य प्रदेश से थोड़े अलग पैटर्न पर सांसदों को मिला है मौका। बाबा बालकनाथ को माना जा रहा था बहरोड से, लेकिन विशुद्ध हिंदू मुस्लिम सीट तिजारा से दिया मौका। किरोड़ीलाल मीणा को माना जा रहा था दौसा, सपोटरा या महवा से, लेकिन पार्टी ने दिया सवाई माधोपुर से मीणा को मौका। किरोड़ीलाल के पास रहेगी पूर्वी राजस्थान के मीणा वोट बैंक को साधने की खास जिम्मेदारी। भाजपा की ए सीट विधाधर नगर से दिया कुमारी को मौका, जबकि नाथद्वारा और हवा महल को लेकर थी दिया की खास चर्चाएं। वहीं भागीरथ चौधरी को मिली उनकी मूल सीट किशनगढ़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिली भाजपा की लहर में आने वाली सीट जहां मुकाबला हमेशा होता है रोचक सा। वहीं नरेंद्र कुमार को भी मिली उनकी पसंदीदा मंडावा सीट। कैलाश चौधरी को नहीं उतारा गया चुनाव मैदान में फिलहाल, जबकि बायतू से चुनाव लड़वाए जाने की थी खास चर्चा। पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को भी इस बार वैर से मौका दिया गया। जहां से उम्मीद थी वहां से टिकट नहीं मिला इन सांसदों को। मध्य प्रदेश से थोड़े अलग पैटर्न पर सांसदों को मिला है मौका। बाबा बालकनाथ को माना जा रहा था बहरोड से, लेकिन विशुद्ध हिंदू मुस्लिम सीट तिजारा से दिया मौका। किरोड़ीलाल मीणा को माना जा रहा था दौसा, सपोटरा या महवा से, लेकिन पार्टी ने दिया सवाई माधोपुर से मीणा को मौका। किरोड़ीलाल के पास रहेगी पूर्वी राजस्थान के मीणा वोट बैंक को साधने की खास जिम्मेदारी। भाजपा की ए सीट विधाधर नगर से दिया कुमारी को मौका, जबकि नाथद्वारा और हवा महल को लेकर थी दिया की खास चर्चाएं। वहीं भागीरथ चौधरी को मिली उनकी मूल सीट किशनगढ़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिली भाजपा की लहर में आने वाली सीट जहां मुकाबला हमेशा होता है रोचक सा। वहीं नरेंद्र कुमार को भी मिली उनकी पसंदीदा मंडावा सीट। कैलाश चौधरी को नहीं उतारा गया चुनाव मैदान में फिलहाल, जबकि बायतू से चुनाव लड़वाए जाने की थी खास चर्चा। पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को भी इस बार वैर से मौका दिया गया। जहां से उम्मीद थी वहां से टिकट नहीं मिला इन सांसदों को। मध्य प्रदेश से थोड़े अलग पैटर्न पर सांसदों को मिला है मौका। बाबा बालकनाथ को माना जा रहा था बहरोड से, लेकिन विशुद्ध हिंदू मुस्लिम सीट तिजारा से दिया मौका। किरोड़ीलाल मीणा को माना जा रहा था दौसा, सपोटरा या महवा से, लेकिन पार्टी ने दिया सवाई माधोपुर से मीणा को मौका। किरोड़ीलाल के पास रहेगी पूर्वी राजस्थान के मीणा वोट बैंक को साधने की खास जिम्मेदारी। भाजपा की ए सीट विधाधर नगर से दिया कुमारी को मौका, जबकि नाथद्वारा और हवा महल को लेकर थी दिया की खास चर्चाएं। वहीं भागीरथ चौधरी को मिली उनकी मूल सीट किशनगढ़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिली भाजपा की लहर में आने वाली सीट जहां मुकाबला हमेशा होता है रोचक सा। वहीं नरेंद्र कुमार को भी मिली उनकी पसंदीदा मंडावा सीट। कैलाश चौधरी को नहीं उतारा गया चुनाव मैदान में फिलहाल, जबकि बायतू से चुनाव लड़वाए जाने की थी खास चर्चा। पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को भी इस बार वैर से मौका दिया गया। जहां से उम्मीद थी वहां से टिकट नहीं मिला इन सांसदों को। मध्य प्रदेश से थोड़े अलग पैटर्न पर सांसदों को मिला है मौका। बाबा बालकनाथ को माना जा रहा था बहरोड से, लेकिन विशुद्ध हिंदू मुस्लिम सीट तिजारा से दिया मौका। किरोड़ीलाल मीणा को माना जा रहा था दौसा, सपोटरा या महवा से, लेकिन पार्टी ने दिया सवाई माधोपुर से मीणा को मौका। किरोड़ीलाल के पास रहेगी पूर्वी राजस्थान के मीणा वोट बैंक को साधने की खास जिम्मेदारी। भाजपा की ए सीट विधाधर नगर से दिया कुमारी को मौका, जबकि नाथद्वारा और हवा महल को लेकर थी दिया की खास चर्चाएं। वहीं भागीरथ चौधरी को मिली उनकी मूल सीट किशनगढ़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिली भाजपा की लहर में आने वाली सीट जहां मुकाबला हमेशा होता है रोचक सा। वहीं नरेंद्र कुमार को भी मिली उनकी पसंदीदा मंडावा सीट। कैलाश चौधरी को नहीं उतारा गया चुनाव मैदान में फिलहाल, जबकि बायतू से चुनाव लड़वाए जाने की थी खास चर्चा। पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को भी इस बार वैर से मौका दिया गया।